गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने CW कॉपी में लिखे थे प्रश्नों के उत्तर। अब आज अपनी बुक निकाली हिंदी की, पेज नंबर 20 निकाला। आज के पढ़ेंगे हम भाषा कौशल। दिए गए शब्दों को लिंग अनुसार सही शीर्षक के नीचे लिखो। लिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री या पुरुष का भेद होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जिसमें स्त्री का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जिसमें पुरुष का भेद होता है उसमें पुरुष लिंग पुल्लिंग कहते हैं। लिंग मतलब स्त्री या पुरुष की, मनुष्य जाति में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिंग। अब यदि इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं, बादल, मेंढक, धरती, गीत, वर्षा, ऋतु, शोर, अंधकारमय, कोयल, हवा, दिशा, नव। तो जिसको बोलने में पुरुष जैसा लगता है उसको पुल्लिंग बोलेंगे, और जिसको स्त्री जैसा लगता है उसको स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे बादल, बादल छाता है, जिसमें लड़कियों का नाम आता है या स्त्रियों का नाम आता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें लड़कों का आता है जैसे पिता स्त्री पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अलग अलग लिंग होते हैं जिसमें स्त्रीत्व का बोध होता है। जैसे बादल, बादल छाता है, बादल आसमान में छाते हैं कि छाती है, तो बादल पुल्लिंग है, यहाँ पे लिखेंगे बादल। मेंढक टर्राता है तो मेंढक भी क्या है, पुल्लिंग। धरती, धरती माता सजी रहती है तो धरती क्या है, स्त्रीलिंग। गीत गाता हूँ, अपन बोलते हैं मैं गीत गाता हूँ, तो गीत क्या है, पुल्लिंग। वर्षा आती है, वर्षा ऋतु होती है तो अपन कह रहे हैं वर्षा हो रही है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। ऋतु, ऋतु भी क्या है, स्त्रीलिंग, ऋतु भी एक स्त्रीलिंग। शोर मचाते हैं तो शोर क्या है, पुल्लिंग। अंधकार, अंधकार छा जाता है जैसे चारों, तो अंधकार क्या है, पुल्लिंग। कोयल मीठी तान सुनाती है तो कोयल क्या है, स्त्रीलिंग। हवा बहती है या हवा चलती है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। दिशा, पूरब दिशा से दिशा क्या है, स्त्रीलिंग। और नव मतलब आकाश क्या है, पुल्लिंग। वर्षा, ऋतु, कोयल, हवा, दिशा और पुल्लिंग कौन कौन से, बालक, मेंढक, गीत, शोर, अंधकार, नव। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 21 पे देखिए क्या लिखा है। रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। तो शब्द दिए हमको कौन कौन से, सुहानी, काले, नन्ही, अंधकारमय, और यहाँ पे दिया है बूंदें, ऋतु, दिशाएं, बादल। तो इस कविता, वर्षा ऋतु वाली कविता के हिसाब से हमको जोड़े बनाना है। तो ऋतु क्या है, सुहानी क्या है, ऋतु, सुहानी ऋतु, काले बादल, नन्ही बूंदें, अंधकारमय दिशाएं। लिखा है पढ़िए और समझिए। स्वर, री ऋषि का लिखा है तो ये री, री के री से क्या क्या शब्द बनते हैं, ऋतु, ऋषि, ऋण, इसको क्या बोलते, पढ़ते री। और मात्रा इसकी कैसे लगती है, छोटा सा ऐसा गोला, तो कामे रा की मात्रा लगाते क्री हो जाएगा, कृषि, मृग, वृक्ष। तो री की मात्रा कहाँ लगती है, अक्षर के नीचे ऐसे छोटी सी गोला, का के नीचे लगा तो क्री, माँ के नीचे लगा तो मृग, और वा के नीचे लगा तो वृ, तो कृषि, मृग, वृक्ष। अब आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।